तो गाइस देख सकते हैं फाइनली हमने यहाँ पे दो दो कैमरा परचेज कर लिए हैं वीडियोस बनाने के लिए। जब नेक्स्ट बार आऊँ अगली बार चलिए अंदर से आपको दिखा देते हैं। ये रहा वो जगह। तो गाइस देख सकते हैं ये फाउंटेन कितना बेहतरीन दिख रहा है। अगर आप पुरानी किला में आते हो तो इजीली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना टिकट बुक कर सकते हो यहाँ से। और हम आपको बता दें कि साइड में देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई कैरी सामान आपके पास है तो यहाँ पे आप इजीली जमा करा पाओगे। देख सकते हैं फाइनली हम यहाँ पे पुरानी किला की तरफ अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये पीछे हमारा एंट्री गेट यहाँ पे मिल जाएगा, जस्ट किला में अंदर जाने के लिए यहाँ पे एंट्री गेट मिल जाएगा। तो चलिए हम पहले एंट्री कर लेते हैं, फिर हम आपसे पूरा वीडियो में एक्सप्लोर कराने वाले हैं। कुछ इस तरह एंट्री करने के बाद आपको व्यू देखने को मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि आप यहाँ पे बहुत सारा खाली आपको जगह मिल रहा है देखने के लिए। तो आज हम संडे को आए हैं, तो संडे को आप अगर आते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे सलमान खान की मूवी शूटिंग हुई थी तेरे नाम, तो तेरे नाम का कुछ शॉर्ट भी यहाँ पे हम आपको देखने को देने वाले हैं इस वीडियोज़ में। तो कहाँ पे शूट हुआ था, कैसे हुआ था, वो भी डिटेल में हम बताएंगे आपको। तो हमारे भाई वहाँ पर कैमरा मैन देख सकते हैं कैमरा लेके, तो कुछ हम कैमरा से फोटोज़ भी क्लिक करेंगे। देख सकते यहाँ पर भाई की फोटोग्राफी हो रही है। तो हम बता दें कि यहाँ पे आने के लिए मुझे काफ़ी लेट हो गया है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस में आपको एक्सप्लोर नहीं करा पा रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं जितना हो सके उतना कवर करूँगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आऊँगा। जब नेक्स्ट बार आऊँगा अगली बार संडे को, तो फिर आपको हम दिखला देंगे अच्छे से। तो चलिए जितना हो सकता है उतना हम कवर करते हैं। तो हम आपको बता दें कि हमारे टाइम लगभग 4:10 हो गए हैं, लगभग 50 मेरे पास और टाइम है। तो 50 के अंदर जितने कवर हो सके उतने वीडियोज़ को हम यहाँ पर कवर करते हैं पुरानी किला का। तो हम आपको बता दें कि अगर आप एक साइलेंट जगह चाहते हैं, साइलेंट प्लेस चाहते हैं, अगर खास करके अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना चाहते हैं, तो आप पुरानी किला आप ज़्यादा कुछ गलत नहीं कर सकते हो, नहीं कि यहाँ पे पकड़ा सकते हो। जैसे मैं सामने में देखा था एक बंदे को पुलिस वाले ने पकड़ के टॉर्चर कर रहा था, तो आप इस चीज़ से बच के रहो। तो एक यहाँ पे पार्क के बीच बीच में आपको जस्ट यहाँ पे एक इंडियन फ्लैग देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। बेस्ट सेल्फी पॉइंट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी कुछ फोटोज़ क्लिक किया हूँ, और वहाँ पर तो नहीं कर पाया हूँ। कुछ इस तरह आपको लुक देखने को मिल जाएगा मस्जिद का। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ फोटोज़ क्लिक करेंगे तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरह मस्जिद का लुक आपको देखने को मिलने वाला है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ भी तेरे नाम मूवीज़ का यहाँ पे एक सॉन्ग है, तेरे नाम देखने को मिल जाएगा। इस तरह आपको अंदर से भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम कुछ अंदर से आपको दिखला देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमको तो यहाँ पे लाइटिंग कुछ कमी है, तो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट काफ़ी बेहतरीन देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे फोटो भी क्लिक करा सकते हैं। तो चलिए कैमरा मैन हमारे इधर है, उनसे बाद में फोकस कराऊंगा, पहले हम वीडियोज़ में आपको दिखला देते हैं। तो चलिए हम जितना हो सके हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे लेट हो गए आते हुए। तो अगर आप आना चाहते हैं पुरानी किला स्पेशल या चिड़ियाघर आना चाहते हो, तो आपको लगभग 4-5 पहले आना पड़ेगा, उसके बाद इजीली आप सारे चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर पाओगे अच्छे से। नहीं तो अगर आप 2-3 के लिए आते हो तो फिर आपको लेट हो जाएगा यहाँ पे। तो हम आपको बता दें कि ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 3:30 में पहुँचे थे यहाँ पे, 3:30, उसके बाद हमको काफ़ी यहाँ पे लेट हो, ज़्यादा नहीं घूम पाए। तो आप अगर लेट से आते हो तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। यहाँ से कुछ शहर का नज़ारा आपको इस तरह दिखेगा, पुरानी किला का लास्ट छोर यहाँ पे देख सकते हो। तो जो गुफा की हमने बात किया था, गुफा सामने आपको देखने को मिल जाएगा। ये हम नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद आपको कुछ यहाँ पे पहले हम देख सकते हैं, नीचे आ गए तो चलते हैं ऊपर, कुछ चलते हैं ऊपर से कुछ आपको वीडियोज हम एक्सप्लोर करते हैं। तो हम आपको बता दें कि गुफा की हमने जो बात किया था, सामने ही गुफा, गुफा के सामने है। तो चलिए हम गुफा की तरफ आपको दिखला देते हैं। ये रहा वो गुफा, इस गुफा से अंदर जाके उधर निकल सकते हो।
तो चलिए हम ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, ऊपर अगर हम पहुंच पाते हैं तो फिर हम वीडियोस आपको वहां से भी दिखला देंगे। आपको दिखलाया था वीडियोस में, हम उसके सामने जस्ट आ चुके हैं। यहां पे यहां से कुछ शहर का लुक आपको इस तरह दिखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो जस्ट हम आपको बता दें कि पुराने किला में आपको जो भी देखने को मिलेगा, काफ़ी खंडर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी शांत एरिया है, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पूरा माहौल खाली खाली, ये यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे जस्ट देख सकते हैं ग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए म्यूजियम की तरफ चलते हैं। तो हम आपको बता दें कि म्यूजियम इसमें का 5 बजे तक ओपन रहता है। ऑलमोस्ट मेरा 4:35 हो चुका है, तो मेरे पास 25 मिनट बचा हुआ है, और उसके बाद चलते हैं म्यूजियम की तरफ। पहले म्यूजियम का वीडियोज़ बनाएंगे, फिर उसके बाद जितना हो सके उतना हम घूमेंगे और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, हम फोकस कर रहे हैं म्यूजियम की तरफ, चलते हैं म्यूजियम की तरफ। उसके बाद म्यूजियम का कुछ वहाँ फोटोज़ क्लिक करेंगे, कुछ वीडियोस बनाएंगे, सारे हमारे ब्लॉग चैनल पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दें कि अगर आप मेरे ब्लॉग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ डालूँ तो नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए फोकस करते हैं सिर्फ म्यूजियम की तरफ। ये रहा मेन गेट, अगर म्यूजियम में जाना चाहते हैं मेन गेट से जस्ट निकलोगे आप तो राइट साइड में आपको म्यूजियम देखने को मिल जाएगा। बता दें कि म्यूज़ियम के अंदर फोटोज़ क्लिक करना या वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है, तो हमने पहले बात कर ली वहाँ पे कि हमें यूट्यूब पे अपना ब्लॉग वीडियोस बनाते हैं, तो उन्हें परमिशन दिया, तो थोड़ी सी क्लिप आपको दिखला दी, आप वीडियोस या फोटोज़ क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली हम आपको बता दें कि ये रहा म्यूज़ियम, तो हम म्यूज़ियम से विजिट कर चुके हैं। तो बता दें कि फाइनली हम म्यूज़ियम में जाकर अंदर आ गए, तो यहाँ पे सामने हमारे म्यूज़ियम है, मेन गेट के बगल में आपको म्यूज़ियम देखने को मिल जाएगा। तो हम आपको बता दें कि म्यूज़ियम में कुछ खास है नहीं, कुछ पुरानी चीज़ों जैसे कि कुछ बर्तन वर्तन, कुछ यूनिक सा एंटिक चीज़ पहले बादशाहों के ज़माने का आपको देखने को मिल जाएगा, पुरानी कुछ एंटिक चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप आते हो तो इसका 5 रुपये एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा पैसा। तो हमने अंदर गया। एक और बात हम आपको बता दें कि अगर आप म्यूज़ियम के अंदर एंट्री करते हो तो आपको 5 बजे से पहले जाना होगा, 5 बजे के बाद म्यूज़ियम बंद हो जाता है। म्यूज़ियम में आने के बाद आप इजीली वीडियोज़ फोटोज़ क्लिक नहीं कर पाओगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। अगर आप फोटोज़ या वीडियोज़ क्लिक करते हो तो आपका फ़ोन यहाँ पर जब्त हो सकता है। तो ये एक सीढ़ी देख सकते हो ऊपर जाने के लिए, बट इसको ऑफ कर दिया गया। चलिए हम फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो हम आपको बता दें कि फाइनली आपको पुरानी किला में कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है, तो मैंने आया यहाँ पे काफ़ी वीडियोस बनाए, काफ़ी जितना हो सके उतना एक्सप्लोर किए, बट टाइमिंग कब मेरे को मिला था इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस यहाँ पे कवर नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैनल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे खुद को आप अपने आप को देख सकते हो। तो जैसे कि मैं खुद वीडियोज़ देख रहा हूँ, कितना मेरा फ्रेम आ रहा है हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कितना पर हम वीडियोज़ बनाते हैं पकड़ के फोन को, तो काफ़ी अच्छा खासा वीडियोज़ हमारे देखने को मिल जाएगा। देख लो भैया वहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना दिए उसको, कोई बात नहीं, आज से फेमस हो जाएगा, सेल्फी पॉइंट बन जाएगा बिल्कुल। तो भाई ये देख सकते हैं फाइनली मैंने पुष्पा के चश्मे लगा रखे हैं। तो चलिए पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कैसे वीडियोज़ आ रहे हैं। अच्छा मैं तो वही मचा देंगे पुराने किला मैंने, तो चलिए वीडियोज़ बनाते हैं उसके बाद दिखलाते हैं आप। खाने पीने का सामान आपको काफ़ी कम देखने को मिलने वाला था, जो भी है तो अच्छे से खा पी के बाहर से पाओगे तो बेस्ट होगा, नहीं तो यहाँ पे आपको घूमना बेस्ट हो जा सकता है। मेरा लिप्स बोलते बोलते यहाँ पे बिल्कुल सूख चुका है, और मेरा पेट का देख सकते हैं हालात भी काफ़ी बुरा हो चुका है। तो चलते आगे कुछ वीडियोज़ दिखलाते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अपना स्काई चश्मा को हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं, और पुरानी किला का पूरा एक्सप्लोर वीडियोज़ आपको देने वाले इस वीडियोज़ में। तो चलिए पहले इसे रिमूव कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको जितना हो सके इस वीडियोज़ में कवर करते हैं। तो देख सकते भैया हमने यहाँ तो फिलहाल म्यूज़ियम को विजिट किए थे, बट छोटा सा था, बट एक और म्यूज़ियम जो आगे से है, वही तो मैं बोल रहा था कि म्यूज़ियम के अंदर विजिट करते हैं। म्यूज़ियम के अंदर एंट्री आप यहाँ से कर सकते हो, म्यूज़ियम के अंदर वीडियोस बनाना फोटोज़ बनाना अलाउ नहीं, तो आप अपने फ़ोन को प्लीज़ अपने पॉकेट के अंदर रिमूव कर लें। सेकेंड म्यूज़ियम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम आपको बता दें कि हमने म्यूज़ियम में विजिट नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर 5 बज चुका था। ये किस फूलों का पौधा है आप कमेंट में वीडियोज़ का जरूर बताएँ। तो हम आपको बता दें गाइज़ हम पुरानी किला में काफ़ी घूम घूम के बिल्कुल थक चुके हैं। तो अगर आप पुराने किले में आते हो तो अच्छे से अपने आप को खा पी के टाइट होकर आओ, क्योंकि यहाँ पर अंदर कुछ सामान एक्सेसरीज आप एक्स्ट्रा ला नहीं सकते हो। बता दें कि यहाँ पे मैंने फ़ोन के लिए ट्राईपोड लाया था, बट उसको भी यहाँ पे एंट्री नहीं होने दिया, तो ट्राईपोड को वहाँ पे 5 रुपये देकर जमा करा सकते हो। जो भी एक्सेसरीज आप लाना चाहते हो तो जस्ट पुराने किला के बाहर एंट्री करोगे आप, वहाँ पर आप स्टोर कर पाओगे, आपको चार्जर लगेगा, आप वहाँ पर स्टोर कर पाओगे। जी उसके बाद हम आपको दिखलाते हैं, ये कुछ गुफा आपको देखने को मिल जाएगा, पत्थर देख सकते हैं इस तरह, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ काम अभी चल रहा है इनका। तो ये हम आपको बता दें कि इसमें काम इसका हमेशा चालू ही रहता है कुछ कुछ। तो चलिए हम नीचे वहाँ पे चलते हैं, नीचे कुछ पहले के ज़माने में वहाँ पे कैसे
अंधेरा होता था तो अंधेरा को उजाले के लिए जलाया जाता था, तो कुछ वहाँ पे स्याही आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि 2018 में जब आया था मैं पहली बार 2018 में, तो वहाँ पे हमने देखा था। तो चलिए उसके नीचे चलते हैं, फिर आपको दिखलाते हैं। ये गुफा आपको देखने को मिल जाएगा, तो चलिए हम अंदर चलते हैं। अंदर हम जैसे कि आपने बताया था कि वहाँ पे पहले के ज़माने में कैसे लाइट को अंधेरे में रोशनी करने के लिए वहाँ पे उसका देसी जुगाड़ लगाया जाता था, वो भी आपको दिखलाने वाले हैं। तो पहले कैमरा मैन भाई से कुछ फोकस करवा लेते, कुछ फोटोज़ बनवा लेते, फिर उसके बाद हम आपको दिखलाने वाले इस वीडियोज़ में। कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, ये तो मुझे भी पता नहीं, बट आगे जो हमको पता है उसके बारे में बताते हैं। तो अंदर चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी अंधेरा देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आवाज़ यहाँ पे गूंज रहा है, तो जैसे कि हमने बताया था लाइटिंग के लिए, बट वो दिख नहीं रहा यार। मैं लाइट यहाँ ऑन कर लेता हूँ। गुफा के बाहर काफ़ी तो अंदर कुछ मिलेगा आपको नहीं देखने के लिए, जो कि कुछ अट्रैक्टिव है। इसके बारे में हमने पहले तो देखा था यहाँ पे कुछ, जहाँ तक हमें पता है कि यहाँ पे लाइट पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होता था, तो वहाँ पे उजाले करने के लिए यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि है ना एक लकड़ी में लगा के उसके तेल डालकर वहाँ पे आग लगाया जाता था। इस वजह से आपको वहाँ पे गुफा टाइप का बनाया गया था, बट जितना पता मैंने उतना वीडियोज़ में बनाया। चलिए कुछ आगे अच्छा दिख रहा है लुक यहाँ से देख सकते हैं। बंद है वहाँ भी तो आप ऊपर अब नहीं जा सकते हो, नीचे आप जा सकते हो, ऊपर नहीं जा सकते। तो एक और हम वहाँ पे पॉइंट है जो मैंने बोला था कि एक मूवीज सलमान खान का जो फिल्म हुआ था तेरे नाम, तो उसका एक गाना है तेरे नाम ही गाना है, तो वहाँ पे शूट किया गया था। जब भी राउंड है तो वहाँ भी वीडियो में मेंशन कर देंगे, यहाँ पे आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसका एक वीडियोज बनाएंगे, वहाँ पे फोटोज़ क्लिक करेंगे वहाँ पे। उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलने वाला नहीं पुरानी किला में। देख सकते हैं ऊपर जाने के लिए ये वाला द्वार था, बट इसे बंद कर दिया गया, देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट पहले भी बंद था ये, क्योंकि एक यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते कुछ गुफा आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम आपको बता दें कि जिस टाइम ये रहा होगा उस टाइम ये जाने वाला रास्ता था, देख सकते हैं अंदर कुछ रास्ता आपको दिख रहा होगा, बट अब ये बंद कर दिया गया है। यहाँ से ऐसे जाकर वहाँ उसके बाद इसमें है जाकर उसमें है ऊपर जाने वाला रास्ता था, जो कि बंद कर दिया गया बहुत पहले। बता दें कि जिस टाइम मैंने 5 साल पहले भी आया था उस टाइम भी ये बंद था और आज भी ये बंद है, तो ऑलमोस्ट ऊपर जाने का अलाउ नहीं है। तो चलिए देख ऑलमोस्ट हम सारे चीज़ों घूमने यहाँ पे, वहाँ पे एक रेंडमली एक और सेटअप बाकी रह चुका है, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, कुछ फोटोज़ क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको पुरानी किला में देखने को नहीं मिलने वाला, बस यही पुरानी किला में अगर आप आते हो तो यहाँ पे गार्डन थोड़ा सा मिल जाएगा आपको, बाकी पुरानी किला का कुछ बड़े बड़े पत्थर की तरह इस तरह मूर्ति इमारत बना हुआ दिख जाएगा आपको, जैसे देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, देख सकते हैं कि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं। काफ़ी रिस्क का सामना करने के बाद भी काफ़ी मैं थक जाऊँगा वीडियोज़ बनाते बनाते, लग रहा मेरे फोटोज़ क्लिक करो वहाँ पे, पहले फोटोज़ के लिए पोज देता हूँ, उसके बाद फिर वीडियोज़ में एक्सप्लोर कराऊंगा आपको। कहीं यहाँ पे गार्ड आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अरे हम इससे बाय बाय बोलते हैं यहाँ पे, उसके बाद चलते हैं किसी और लोकेशन की तरफ। हम आपको बता देंगे हमें एक फाउंटेन देखने को मिल जाएगा, तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो ये आपको डस्टबिन देखने को मिल जाएगा कुछ यूनिक सा। हम आपको बता दें कि फाइनली यहाँ पे जो मूवीज़ का क्लिप शूट हुआ था, जो कि सॉन्ग था तेरे नाम का, उसका यहाँ पे क्लिप शूट हुआ था, तो चलिए हम वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ फोटोज़ क्लिक करेंगे। हमारे कैमरा में मुझे पीछे हैं, तो फाइनली हम पॉइंट पे आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा वो पॉइंट मेरे सामने, जस्ट ये रहा वो जगह जहाँ पे शूटिंग हुआ था। कुछ वीडियोज़ यहाँ पे क्लिक कर चुके हैं, चलिए कुछ चलते हैं दिखलाते हैं फिर आपको। उसके बाद हम आपको बता दें कि कौन सा क्लिप यहाँ शूट हुआ था, उस क्लिप को मैं मेंशन कर देंगे, प्लीज़ आप वहाँ से जाकर वीडियो कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे अतरंगी सेल्फीज पॉइंट पे यहाँ पे निकाल सकते हो सेल्फीज। तो चलिए हम चलते हैं फाउंटेन की तरफ। अलाव नहीं देख सकते मैं, गार्ड भैया बोले ऊपर नहीं जा सकते अपनी चीज़ से। थैंक्स सर ऐसे चेक करने के लिए। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली हमने यहाँ पे दो दो कैमरा परचेस कर लिए हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो हम लोग बोल रहे थे कि आपके वीडियोस ब्लॉग वीडियोस में क्वालिटीज़ नहीं होता है उस क्लिक करने के लिए, और ये वीडियोस बनाने के लिए रिसेंट में मैंने कैमरा लिया। भाई सर कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब देख सकते हैं कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, मैं स्टैंड नहीं ला पाया इसको, जैसे मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ इसमें, तो इसमें चले वीडियोज़ बनाते हैं कुछ फिर आपको दिखला दें। तो फाइनली हमने बहुत वीडियोज़ बनाए, बहुत फोटोज़ क्लिक किए, देख सकते हैं सामने हमारे कैमरा, तो इसी कैमरा से हमने वीडियोस तो नहीं बनाए बट फोटोज़ काफ़ी इसी कैमरा से क्लिक किए हुए यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये हमारे फ्रेंड का कैमरा है जो कि निकोन 5200 है, देख सकते हैं यहाँ पे निकोन 5200 भी, तो DSLR कैमरा, तो इससे फोटोज़ काफ़ी चले। वहाँ पे देख सकते हैं वीडियोज़ कैमरा है जो कि सोनी का है, मोबाइल का है, तो अपना वहाँ पर वीडियोज़ बना रहे, फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। तो हम चलते हैं अब अपने होम टूर घर की तरफ, काफ़ी मैंने वीडियोज़ बनाया, काफ़ी फोटोज़ क्लिक किए यहाँ पे, तो
तो फाइनली अब हमारे कैमरा का बैटरी भी शॉर्ट हो चुका है, कुछ बैटरीज बचाए तो कुछ फोटोज लेते हैं, उसके बाद चल सकते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घूमा, उसके बाद फाइनल हो चुका है। तो ये रहा कैमरा जिससे फोटोज क्लिक किए हैं, और चलते हैं मेट्रो की तरफ। तो हमको बता दें कि सीढ़ियाँ का मेट्रो लगभग आपको 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर जाएगा। उसके बाद ये हमारे कैमरा मैन ऐसे तो कैमरा मेरे पास आ चुका है। चलते हैं अब वीडियोज़ ब्लॉग करते हैं। वीडियोज़ बहुत ज़्यादा मेरे इंडियन ब्लॉगर चैनल पर आपको देखने को मिलने वाला है।